मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति ही सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ होती है जिसके मन में आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। राधे कृष्ण, राधे राधे।